लिंक पड़े होंगे तीनों जानो।
ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही यस है? सर, यस यस सर, यस सर, आ रही है, वृंदावन यस की। सर। लगा कुछ हुआ तो नहीं वैक्सीन लगवाने के बाद? सर बाजू में दर्द हो रही है कल से। मुझे तो माही इनके सर वो चक्कर खा के गिर गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, इसलिए वो नहीं है लाहौर। सर नहीं, आपने माहीन तो नहीं ऐसे बोल रही होगी। मुझे बताया नहीं है? अभी आपने आते साथ यही कहा, मैंने कहा मलाइका का, आपने कहा सर वो गिर गई थी, बेहोश हो गए। ये बाप की फ्रेंड नहीं बताया, इससे पूछ लेना कि इसने ऐसा क्यों बोला है। अच्छा सर, ठीक है। मेरी बात सुने, लड़कों को क्या मसला है, तुम लोग क्यों नहीं वैक्सीनेशन करवा रहे? भाई बेटे मान लिया कत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काका जी, वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा रहे? कब सर करवाएंगे सर, अभी करवाएंगे, टाइम जब ही नहीं खत्म हो मिला। जाएगी? बेटे क्या नाम है, साइनोवैक के आने से पहले पहले करा लो, अच्छी वाली लग जाएगी, बाद में फिर पाकिस्तानी लगनी है। सर जी गर्मी इतनी है, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। हाँ सीधे अच्छे इंसान है ही ना, गर्मी जाए ना पढ़ा ना सदके जाओ, गर्मी की सर एसी में बैठे हैं आप, हाँ इसी में बैठे हैं, मम्मी बेटी बच्चा देखो ना जरा। हाँ गरीब बंदे हम। बिल्कुल, साढ़े वर्ग गरीब अल्लाह मियां हर किसी ने करे ना कहना। आमीन सर। सर मैं वेट कर रहा हूँ, वो मैसेज ही आ जाए कोड का, तो इधर से कहीं से लगवा रहे, ना ही एक्सपो सेंटर जाना पड़े, जलालत है सर। ठीक है, बहाने जितने मर्जी, मैं कहता हूँ स्टूडेंट के पास इतना बहाना होता है ना, इतना किसी के पास नहीं होता होगा। टेंशन नहीं लेनी, हमें भी पता है, हम लोग सब कुछ करके आए हुए हैं, हमारे साथ फिल्म में चलाओ, तो हमें पता है सारा कुछ कैसे बहाना लगाना है। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़े यस थे। सर, आयोडीन से आगे जो थे वो सारे पड़े थे। सर कौन कौन से थे जरा बताए, वैक्सीन लगा के पता लगे, याददाश्त चली गई, बताना जरा कौन कौन से थे। वो गैलियम 67 था, और इसके अलावा इंडियम 111 को हम लेबल करते हैं प्लेटलेट्स लीकोसाइट्स DDPA के साथ। इसके अलावा हमने कुछ रेडियो एक्टिव गैसेस और इरोजल्स पढ़े थे, और थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी पढ़ा था कि हम उसमें जो है वो पार्टिकल्स यूज करते हैं। बस कोई लड़का ही बता दे कि हम जो क्या नाम है वेंटिलेशन स्टडीज में कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं, और परफ्यूजन में कौन सा करते हैं, कोई लड़का बताए। अगर नाना बताया किसी ने, सबके सबकी आज एब्सेंट लगाऊंगा। आते नहीं ना पढ़ रहे तुम लोग, कोई नहीं, सीपी में जब 0 लगेगा फिर चीखना कोई ना, क्योंकि सारे ये लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, कि तुम लोगों से बार बार पूछता हूँ, लेकिन तुम लोग बोलते नहीं हो, लड़का तो एक ही नहीं बोलता। बाद में मेरे पास कोई ना रोता हुआ, सर सीपी में 0 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, रिकॉर्डिंग भी बढ़िया, और अब तो बच्चे भी बैठे हैं। एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि उसको कुछ आता हो, क्या मसला है भाई बताओ मुझे, क्यों नहीं पढ़ रहे? अफजाल हसन, अफजाल हसन, नाम लिखो। हाफिज मोहम्मद सलमान, यस सर। हाँ जी बेटे, क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या मसला है?
लिखे भाई इनका नाम भी, अब्दुल्ला इनका भी लिखे। अमान लियाकत आपको आता है बेटे कि नहीं? यस सर। बताएं वेंटिलेशन में कौन से यूज होते हैं और प्रोफ्यूजन में कौन से यूज होते हैं? सर जी नॉन 133 जो है वो यूज करते थे पहले। और प्रोफ्यूजन के लिए सर इसको सलाइन सॉल्यूशन के साथ जो है ना इंटरवेनसली यूज कर सकते हैं प्रोफ्यूजन स्टडी के लिए, लेकिन उसके बाद जो है ज्यादातर जो यूज होती है 81 का सर मुझे नाम नहीं सही तरह आता। हमें के बाद लिखा हुआ था। यस सर। बेटे मुझे बताएं गैलियम सिट्रेट किसके लिए यूज होता है? लिखने ला रहा हूं। राफे। यस सर। क्रोमियम किस लिए यूज होता है बेटे? क्रोमियम लेवल कंपाउंड्स। लिखने का भी नाम। वसीम। यस सर। बेटे आप बताएं क्रोमियम किस लिए यूज होता है? सर सर नहीं आता। नहीं आता सर। गुड वेरी गुड। लिखें का भी नाम, इनकी भी एब्सेंट है। मुशाहिद। यस सर। बेटे आपको पता है कुछ के इंडियम लेबल कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सर सर मैंने लेक्चर ही डाउनलोड नहीं किया हुआ सर। वेरी गुड माशाल्लाह शहजादे जीते रहो। सर वो सर सर नहीं नहीं वो सही जगह नेट की जगह में जाऊंगा, अभी आया हूँ इधर, मैं करूंगा सर डाउनलोड लेक्चर। तैमूर को कुछ नहीं आता होगा क्योंकि तैमूर लेक्चर में ही नहीं आता। सर आता हूँ क्यों नहीं आता मैं, लेकिन पढ़ रहा हूँ मैं अब से सर, इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्रोमियम 51 तो यूज्ड एज अ ट्रेसर। किस प्रोसीजर के अंदर यूज है ट्रेसर? सर रेड ब्लड सेल्स को लेबल करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द गैलियम? दैट आई डोंट नो ऑफ। द वन समवन टोल्ड यू और द वन यू रेड आफ्टर सम टाइम यू ओनली रिमेंबर दैट? आई जस्ट स्टार्टेड विद दिस, आई हैड सम big kind of personal issues. Tamur, everyone is having issues in his life, man. So you have to tackle them or you have to stop the studies for a while. मैं अभी से सर इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। मैंने आज से इंशाल्लाह शुरू करना है ये वाले सब्जेक्ट्स। मिर्ज़ा ऑन द वे ऑलमोस्ट ऑन 21 ऑफ जून। सो इट्स अप टू यू हाउ टू प्रिपेयर। सर इंशाल्लाह यू विल सी, आई विल बी डूइंग माय बेस्ट इवन फॉर द क्विज एज़ वेल। आई एम प्रिपेयरिंग। सरकम बेटे आई नो आपके घर पे काफी इशू होगा बट पढ़ना भी है साथ साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट ओके सर, ठीक है जी सर। अच्छा जी, आज हमने पढ़े रेडिएशन डिटेक्टर्स, यानी कि अब हम रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ लिया कि हम कौन कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। अब हमने जो उनसे मिट होने वाले रेडिएशन है यानी गामा रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उनको हमने कैसे डिटेक्ट करना है। वो कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स और डिटेक्ट पार्टिकल डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट मेक्स दैट स्पेक्ट्रम कनेक्ट टू है। क्या हुआ बेटे? कुछ बच्चों का नेट इशू है तो वो कह रहे हैं सर को बोलें कि वो ऐड कर लें। शहीर जादी,
शहीर जैदी राइट इज नेम देयर. अच्छा वो कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर और पार्टिकल डिटेक्टर से डिवाइस दैट मेजर्स आयनाइजेशन ऑफ बीटा रेडिएशन गामा रेडिएशन एंड अल्फा रेडिएशन विद मैटर व्हिच क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉसिबली चार्ज आयन. कहते हैं जो रेडिएशन डिटेक्टर होता है ना वो किस चीज को मेजर करता है जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं बीटा पार्टिकल्स गामा रेज और अल्फा पार्टिकल्स बॉडी के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर और फिर उससे आगे प्रोटॉन्स पॉसिबली चार्ज आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वो डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपको पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन एमिट हुई है आपके उस. उसको कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट और आइडेंटिफाई हाई एनर्जी पार्टिकल्स सच एज दोस प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर डिके कॉस्मिक रेडिएशन और रिएक्शंस इन ए पर्टिकुलर एक्सीलरेटर. ठीक है जो आपका रेडिएशन डिटेक्टर है वो किस चीज के लिए यूज हो सकता है जो आपकी क्या नाम है फॉसिल फ्यूल से रेडिएशन का डिके हो रहा है. ठीक है आपकी कॉस्मिक रेडिएशन जो सन से आ रही है और उसके बाद आपके जो रिएक्शन आप एक्सीलरेटर या फिर रिएक्टर के अंदर करवा रहे हैं उसके अंदर जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो डिटेक्टर के थ्रू. What are the radiation detection devices? Instruments that can identify the presence of radiation in the environment, on the surface of the people, ठीक है हमारी body पे जो radiation की dose आ रही है, inside the people, internal contamination, the body के अंदर है, and received by a people as exposure, और जो हमें बाहर से fossil fuel से जो radiation कट गया हो रहा है, जो हमें environment से मिल रही है, ठीक है, वो सब radiation को हम measure कर सकते हैं, different instruments को use करते हुए. ये जो आपको नीचे दिखाया गया, ये Geiger Müller counter है. शायद आपको याद होगा आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था जीएम काउंटर्स होते हैं शायद ये पढ़ने वाले बच्चों को ये चीजें याद होनी चाहिए. ठीक है रेडिएशन डिटेक्शन डिवाइस फिल्म बैजेस का याद होगा इतने इतने से होते हैं छोटे छोटे पर्सनल पॉकेट के साथ लग जाते हैं. ठीक है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन डिवाइसेस नो सिंगल डिवाइस कैन डिटेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन. ठीक है अब देखो डिफरेंट है बॉडी के ऊपर बॉडी के अंदर. ठीक है एनवायरनमेंट के लिए तो इसी तरह हर चीज के लिए डिफरेंट डिवाइस बनाई गई है ताकि वो रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके. रेडिएशन सर्वे मीटर्स फॉर एग्जांपल गीगर मुलर एंड सिमिलर डिवाइसेस डिटेक्ट रेडिएशन इन रियल टाइम. जो रेडिएशन सर्वे मीटर्स हैं कि आप जानना चाह रहे हो कि यार इस टाइम पे रूम के उस हिस्से में जो दरवाजे के सामने है ठीक है उसमें रेडिएशन कितनी है तो वो जो उस टाइम पे आपको फौरन बताएगा कि इस जगह पे इतनी रेडिएशन मुझे फील हो रही है डिटेक्टर को. ठीक है उसको आप बोलोगे रियल टाइम जैसे हमारी फ्लोरोस्कोपी है एंजियोग्राफी है रियल टाइम है उस टाइम पे जो हो रहा है वो हमें बता रही है. सिमिलरली ये जो जीएम काउंटर वगैरह ये रियल टाइम डिटेक्टर्स होते हैं. जो फिल्म बैजेस लगते हैं ना यानी कि पर्सनल के साथ या पॉकेट डोसीमीटर्स वो होते हैं क्या नाम है डेट बताने वाले यानी वो टोटल डोज इकट्ठी करते हैं आफ्टर ए मंथ या सिक्स मंथ या आफ्टर वन ईयर वो फिर आपको टोटल बताते हैं कि इतनी देर में इस पर्सन को इतनी डोज मिली है. ठीक है personal dosimeter film badges do not provide information real time but they can detect prior radiation exposure if the device was born at the time of exposure. self-feeding personal dosimeters can provide real time information about exposure. theek hai jo most commonly use hote hain dosimeter aur film badges wo aapko real time mein nahi bata kisi bata sakta lekin kuch is tarah ke bhi banaye jate hain to aap usi time pehne during exposure taki aap measure kar sake ki yaar exposure mein mujhe kitni radiation dose mili hai. theek hai All radiation detectors share the characteristic that radiation incident on the transducer. Transducer वो उसको कह रहा है जो आपका एक probe होता है जैसे ultrasound का probe होता है ना इसी तरह आपके कुछ radiation detection devices हैं उनके साथ probe होता है जैसे GM counter का एक probe होता है उसको वो बोल रहे हैं transducer. ठीक है जिसके ऊपर radiation fall करती है detect होती है and then it gives the readings कितनी radiation आई है. Produces excitation or ionization effects that are not directly observable. ठीक है इसके बाद कहता है जो ट्रांसड्यूसर इज फिजिकली कपल्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वेयर द चेंजेस इन द ट्रांसड्यूसर इज कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल व्हिच इज प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड. ठीक है आपका ट्रांसड्यूसर है उसके ऊपर रेडिएशन आती है बाकी समझ आ रही है. ये देखो समझो ये ट्रांसड्यूसर है गीगर मुलर काउंटर का. ठीक है अब इसकी ये जो सरफेस है ना सारी सेंसिटिव है इसके ऊपर जितनी रेडिएशन डलेगी वो इसके अंदर जाएगी. इसके अंदर एक गैस चेंबर है. ठीक है गैस फिल्ड है उस चेंबर के अंदर जो आपको चेंबर नजर आ रहा है ना जिसके अंदर ये ब्लू लाइन लगी हुई है ये वाली. ठीक है इसके ऊपर रेडिएशन पड़ी उसने आयनाइजेशन क्रिएट किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है
वो जाके डिटेक्ट हुए अंदर एक प्लेट लगी हुई उस प्लेट के ऊपर, उस प्लेट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहां उसको एनालाइज किया जाएगा और डिजिटाइज किया जाएगा, देन इट विल शो द रीडिंग्स कि इस जगह पे इतनी रेडिएशन है। पर ऑलमोस्ट जितने भी डिटेक्टर्स यूज होते हैं ना सबके अंदर यही फिनोमेना यूज होता है, सिवाय क्या नाम है आपके क्या कहते हैं, हाँ सबके अंदर यही सेम फिनोमेना, गैस फील्ड जितने भी डिटेक्टर्स है ना उनके अंदर यही फिनोमेना। लेकिन जो आपके सेटिनेशन डिटेक्टर्स है उनके अंदर क्या होता है कि वो आपके क्या नाम है फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी रेडिएशन से, वो फोटॉन्स कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देन दे आर प्रोसेस। यहाँ पे जितने भी गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं उनके अंदर यही वाला फिनोमेना की आयनाइजेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डिटेक्टर, the ideal radiation detector achieves a high absolute detection efficiency by efficiently absorbing the radiation of interest. Absolute efficiency kya hai, ye aaj hum nahi padhenge. The process requires that particular electromagnetic radiation to be able to penetrate the detector to deposit energy into the transducer, and that the transducer has sufficient stopping power to absorb and therefore detect the radiation. Stopping power kya hai, ye transducer hai, theek hai, iski jo walls hai, कहते हैं ट्रांसड्यूसर जो है ना उसकी वॉल्स इस काबिल होनी चाहिए कि अगर जैसे टेक्नीशियम से 140 केवी की एनर्जी हमें टो रही है तो वो इसके ऊपर फॉल कर रही है ना तो इसको पेनिट्रेट करके बाहर ना निकल जाए। इसकी वॉल्स इतनी थिक होनी चाहिए, मटेरियल इस तरह का होना चाहिए तो 140 केवी की एनर्जी इसके अंदर आए, यहाँ से ऊपर से पेनिट्रेट करे और अब्सॉर्ब होकर डिटेक्ट हो, ऐसा ना हो कि ऊपर से आए क्रॉस करके नीचे से निकल जाए। ठीक है, इट शुड बी अब्सॉर्ब, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पावर। किस मटेरियल की स्टॉपिंग पावर यह है कि ये 140 केवी से 150 केवी तक की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हमें डिटेक्ट करके बता सकता है कि इतनी एनर्जी की इतनी रेडिएशंस मैंने डिटेक्ट की है। ठीक है, लाइक आई काउंटेड 50,000 रेडिएशंस ऑफ एनर्जी 140 टू 150 केवी। ठीक है, इज इट क्लियर कि व्हाट इज स्टॉपिंग पावर? ऑनलाइन वालों समझ आ रही है? अच्छी बताएं जरा स्टॉपिंग पावर क्या होती है? बोले हैं स्टॉपिंग पावर क्या होती है? उसकी एबिलिटी के वो जो रेडिएशन उसको अब्सॉर्ब कर ले उसको पास। आइंदा मैंने क्लास में कुछ बताया है, पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा और बच्चे को ना आया, ठीक है, तो ये दो दफा से दो चांस है, एक क्लास से दूसरी क्लास, दो बार में ना आया तो सीपी जीरो हो गया। ठीक है, बाद में ना बोला कि सर ये हो गया तो हो गया, समझ आ गई? बेटे जाग के रहना क्लास में, पूरी क्लास में आया इकराम शरीफ, नहीं पता सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बताऊं सर? बोले भाजी। सर वो जो सर वो सर वो जो चार्ज पार्टिकल्स में सर फोर्स जो रिटार्डिंग फोर्स जो सर चार्ज पार्टिकल्स को मतलब रिटार्ड करती है फोर्स उसको कहते हैं स्टॉपिंग, जैसे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। पाजी ये दोबारा जरा लेक्चर रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना जरा सुनना कि मैंने क्या बोला और आपने क्या बताया। ठीक है, नहीं आता तो मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, क्या मसला? मैं बार बार लेक्चर में बोल रहा हूँ, नहीं समझ आ रही नहीं समझ आ रही, को सर नहीं समझा रही, मैं बताएं
अभी तो वीडियो ऑन करके समझा रहा हूँ। तभी मैंने किसी को क्वेश्चन करने में बोला कि आज की क्वेश्चन पर इवन मेल में भी जो बच्चा क्वेश्चन पूछा उसको भी जवाब होता है। फिर क्या मसला है, क्यों नहीं पढ़ रहे यार, इश्यू क्या है? टीचर चेंज करना है तो बताओ, मेल करो कि टीचर चेंज करते, नहीं समझ आ रहा। अच्छा, मैक्सिमम फ्रैक्शन एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन द ट्रांसड्यूसर इज ऑप्टिमली पोजीशन्ड रिलेटिव टू द रेडिएशन सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि जी रेडिएशन का सोर्स जो है, ठीक है, लाइक और बोलना का वो बाय द क्लासेस के पास होगा, तो अच्छा बच्चों ये देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये सोर्स है रेडिएशन का, ठीक है, इतनी जगह से रेडिएशन एमिट हो रही है और मेरा जो ट्रांसड्यूसर उसकी ये वाली साइड है सेंसिटिव कि इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो डिटेक्ट होगी, तो कह रहा है जब आपका ट्रांसड्यूसर एग्जैक्टली सामने होगा ना, ठीक है, चाहे वो दूर है या करीब है, ठीक है, जब वो एग्जैक्ट रेडिएशन सोर्स के सामने होगा ना तो हमें वो सबसे ज्यादा अच्छा काउंट रेट मिलेगा, हमारी कोई भी रेडिएशन जो है वो मिस नहीं होगी, ठीक है। इस लाइन में उसने ये बात कही कि जब आपका रेडिएशन सोर्स जो है उसका और आपके ट्रांसड्यूसर का वन टू वन कॉन्टेक्ट होगा तो कभी भी आपको जो क्या नाम है एफिशिएंसी है, रिडक्शन एफिशिएंसी, वो लो नहीं मिलेगी बल्कि अच्छी मिलेगी। द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिटेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। वो कह रहा है कि जो आपकी डिटेक्टर की परफॉर्मेंस है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर डिपेंड कर जाती है कि वो कितना पुराना है कितना नया है, ठीक है, और उसका मोड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या नाम कोई इसको एज अ सर्वीमीटर यूज कर रहे हैं या बॉडी के ऊपर सर्फेस में मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉड्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिफर कर जाता है। When activity levels exceed a certain limit, many detectors suffer from clogging rate losses, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिटेक्टर की ये एफिशिएंसी की यार वो 30,000 काउंट्स यानी कि 30,000 नंबर ऑफ रेडिएशंस तक एक्यूरेटली काउंट करके बता सकते हैं कि इसकी इतनी एनर्जी रेंज है, तो अगर रेडिएशन की सोर्स उससे ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है, तो वो एक आपको फिनोमेना का सामना करना पड़ता है, इसको काउंट का स्कोर है यानी कि 50,000 प्रोड्यूस हुई है तो उसकी लिमिट कहां तक है 30 तक, तो वो आपको 30 ही बताएगा, ठीक है, इससे ऊपर जितनी भी रेडिएशन आएगी वो लॉस हो जाएगी, इसलिए आपको प्रॉपर काउंट नहीं मिलेगा कि कितनी रेडिएशन पास प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। Which cause a decrease or in adjustment of the activity level, ठीक है, इसे आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। For the efficient operation to effectively quantitate the radiation risk, it is essential that the detector have a linear response with increasing activity, ठीक है, such a response implies minimal or small counting rate losses at the time at the highest counting rates in counting rate. At times जो है वो हम लास्ट लेवल पर भी क्या होता है डिटेक्टर के अकॉर्डिंग एक टाइम। In some applications, it is necessary to measure the energy of the radiation being detected by using the detectors across intermediates. A pulse height spectrum of frequency distribution of pulse heights can be used to identify the source of radiation and to restrict or discriminate which ones will be accepted. अब आपका ये डिटेक्टर है ना, इसमें भी फंक्शन होता है, आप उसको ये रेंज अलाउ करते हो कि यार ये जो सोर्स जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ ना इसके अंदर रेडिएशन प्रोड्यूस होनी है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। मेरी डिजायर ये है कि आपने कौन सी काउंट करनी है 120 से लेके 150 तक, ये आपने डिटेक्टर को रेंज बता दी। जैसे हम किसी भी चीज के ऊपर सेटिंग करते हैं ना, लाइक हम क्या नाम है कंप्यूटर पे सेटिंग कर देते हैं, मेल को सेटिंग कर देते हैं, इस तरह मैं डिटेक्टर में सेटिंग कर दी कि मुझे आपने रेडिएशन काउंट करके बतानी है 122
150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो डिटेक्टर सिर्फ वो ही काउंट करेगा, ठीक है। इस तरह आप डिटेक्टर को यूज कर सकते हो, क्या नाम है, कि हमें अपनी डिजायर्ड एनर्जी की सिर्फ रेडिएशन पता चले कि वो कितनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। एक बात ये होगी, दूसरी बात ये हम कहते हैं कि आपको आपको शो कैसे करवाया जाता है, एक पल्स हाइट स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, जैसे आपका ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ को आपको यहीं पे कंटिन्यूस जा रहा था, इस तरह पल्स आता है, ये 160 वाली 100 वाली, ठीक है, इस तरह करके पल्स की हाइट्स आती है, ठीक हो गया। उससे आपको पता चलता है कि आपको कितनी एनर्जी की रेडिएशन कितनी आएगी, ठीक है, इस तरह से। The idea of a detection system probability represent that positive energy is measurable in this term, the energy resolution, ठीक है, जो सिस्टम कितनी एनर्जी को यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डिटेक्टर जो है वो आपको 100 AE से 200 AE तक की रेडिएशन डिटेक्ट करके बता सकता है एक्यूरेटली, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इस डिटेक्टर की एनर्जी रेजोल्यूशन है, ये इस लेवल से लेके इस लेवल तक की एनर्जी को सैचुरेट कर सकता है, अलग अलग करके बता सकता है, ठीक है। The ideal detection system will have very good energy resolution, which implies that detector is better able to present, resolve, and discriminate different radiation energies. Absolute efficiency to operate. Absolute efficiency is defined as the number of radiation events detected in a given interval divided by the number of radiation quanta emitted by a radiation source. वो क्या है कि आपकी absolute efficiency क्या होती है? ये radiation source है, ठीक है, यहां से कितनी रेडिएशन एमिट हुई और डिटेक्टर के ऊपर कितनी, ठीक है, एमिटेड डिवाइडेड बाय डिटेक्टेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एफिशिएंसी। ओके, द रेडिएशन इज एमिटेड आइसोटोपिकली एंड ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज बीइंग ऑब्जर्वड, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन आपको पता है वो फैन शेप में एमिट होती है, किसी भी पॉइंट से तो वो फैन शेप में स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसलिए इस तरह होता है कि आपके डिटेक्टर के ऊपर सारी रेडिएशन फॉल नहीं करती, ठीक है, जो फॉल करती है, ठीक है, वो तो डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑफ दोस इवन ट्राइपल डिटेक्टर रिफ्लेक्शन ऑफ इंपैक्ट इन द ट्रांसड्यूसर, अब आपका पूरा एरिया जो है डिटेक्टर का वो भी सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल पार्ट सेंसिटिव होता है। वो कहते हैं जो डिटेक्टर के ऊपर अगर 10 रेडिएशन फॉल करेंगे तो उसमें से 4 या 5 जो है पॉकेट ट्रांसड्यूसर के सेंसिटिव एरिया में फॉल करेंगे, ठीक है। Whereas the rest are absorbed before reaching the transducer or pass unimpeded through the transducer and are not detected. ठीक है, different energies की radiation भी निकलती है. Therefore, the overall efficiency of the detector is determined by the two factors. इसलिए कह रहे हैं कि detector की overall efficiency है ना वो दो factors पे depend करती है. कौन-कौन से? The intrinsic stopping power जो आपको बता चुका हूँ क्या होती है, and the spatial orientation of the detector related to the radiation source. ये दोनों बातें मैं पहले समझा चुका हूँ कि आपका डिटेक्टर का फेस यानी कि जो ट्रांसड्यूसर की साइड है वो रेडिएशन सोर्स पर प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा क्या कि आपकी जो इंट्रिंसिक स्टॉपिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जिस रेंज की एनर्जी आपको चाहिए वो डिटेक्ट हो, ठीक है, पेनिट्रेट ना कर पाए। ओके, एब्सोल्यूट एफिशिएंसी इज मोर प्रिसाइज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रिंसिक एंड क्यूमेटिक एफिशिएंसीज। कहता है कि जो आपकी एब्सोल्यूट एफिशिएंसी है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एक और तरह से कि ये प्रोडक्ट है इंट्रिंसिक और क्यूमेटिक एफिशिएंसी, ठीक है, where E is intrinsic is the intrinsic efficiency and E beyond is the geometric efficiency, ठीक है, इसको denote करते हैं इस तरह से। Both intrinsic and geometric efficiencies are reported as fractions, therefore the absolute efficiency is always less than 1. अब हम कहते हैं intrinsic efficiency क्या है? It is defined as the number of events detected in a given interval divided by the number of friction quanta incident on the detector in the same interval, ठीक है। पिछला क्या था कि सोर्स से कितनी एमिट हुई और कितनी डिटेक्ट हुई डिटेक्टर के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 100 एमिट हुई थी और डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुई 50, ठीक है, तो 100/50, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कितनी फॉल हुई डिटेक्टर के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा डिटेक्टर है, यहां से रेडिएशन एमिट हुई, इसमें से यहां पे फॉल हुई थी 80,
ठीक है 100 अगेट हुई थी उसको छोड़ दो, फॉल कितनी हुई 80 में से डिटेक्ट कितनी हुई 50, तो 80/50 पिछले में क्या था एमिटेड 100 डिटेक्टेड 50, अब यहाँ पे क्या कह रहा है फॉल कितनी हुई 80, 100 में से 80 फॉल हुई उसमें डिटेक्ट कितनी हुई 50, तो 80/50 दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एफिशिएंसी। ठीक हो गया, the intrinsic efficiency is determined by the stopping power of the transducer for the radiation of interest. The stopping power for a particular radiation is determined by the thickness, density and atomic number of the interceptor. ठीक है, तो किस मटेरियल से मतलब है? Although the intrinsic efficiency is primarily determined by the stopping power, the housing of the detector must also be designed to allow non-penetrating radiations to enter the transducer without first being absorbed. Because when your transducer is covered, it will not allow the radiation to be absorbed. So this is the kind of radiation that will penetrate the transducer to the detector. Stopping power is defined as the ratio of the amount of energy lost by a charged particle traversing a small distance dx in a given medium with the distance dx. Okay, so the stopping power is called this formula with whom we call it. The result is often achieved by means of a thin entrance window, which minimizes the likelihood of particle radiation that is low energy being absorbed before the friction in the transmission. We can drop the entrance window of the transmission key. This particular is not other particle radiation is the intensity gamma, so when you drop the gamma is going to pass the radiation. Let's go to the geometric efficiency. Geometric efficiency is defined as the number of radiation quanta incident on the detector divided by the number of emitted by the radiation source. ठीक है, अब तीसरा क्या आ गया emitted, ठीक है 100 और divided by किससे the number of radiation quanta incident, ठीक है 80/100 incident 80 और emitted 100, ठीक है इसको हम बोलेंगे geometric efficiency. For a point source detected by a simple cylindrical detector, the geometric efficiency decreases with increasing source to detector distance in accordance with the inverse scale law. Radiation science में inverse scale law पढ़ा होगा, क्या था? जितना हाथ से दूर हवा जाता है उतना ज्यादा गिरने का खतरा बढ़ जाता है. ठीक है, वही के आपकी चाहे वो लाइट है या रेडिएशन है उसके सोर्स से आप जितना दूर कर लोगे चाहे वो आप अपने हाथ को फॉल करवा रहे हो फॉल करवा रहे हो उतनी कम लाइट उसके ऊपर या रेडिएशन फॉल करेगी. ठीक है, तो वो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि अगर आप एक जीएम काउंटर है जो सिलेंड्रिकल जिसका ट्रांसमिशन होता है उसको आप सोर्स से जितना दूर कर दोगे आपकी ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी. यानी कि ऑब्वियसली बात है जितना दूर जाता जाएगा रेडिएशन स्प्रेड आउट करती जाएगी और कम से कम आपके ट्रांसमिशन के ऊपर फॉल करेगी. In some applications that require more sensitivity and accuracy, the detector may be designed to almost completely surround the source. Such is the case with the scintillation bulb counter, which is designed for maximum detection efficiency due to the low level of activity found in biosensor samples. आपका ना एक bulb counter होता है, वो यानी कि कुएं की तरह, कुएं की शक्ल का बनाता है, यानी कि होता है छोटा सा ही है, लेकिन वो इस तरह बनाता है कि साइड के सारे उसके detectors यानी कि होते हैं और सेंटर में ना ऐसे स्पेस बन गया, यानी कि यूं बनाता है. साइड पे सारा डिटेक्टर, ठीक है उसके सेंटर में आप बॉयल रख देते हो ऊपर से कवर कर देते हो तो वो आपको डिटेक्ट करके बताता है कि बॉयल के अंदर कितनी रेडिएशन पड़ी हुई है. ठीक हो गया, इवन विद दिस डिजीज डिजायर कंसीडरेशन इफ अ सोर्स सैंपल इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली विद द काउंटर द ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज. ठीक है, कहता है बेशक वेल काउंटर भी बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर इसमें भी आप सोर्स को प्रॉपर्ली ना रखो यानी कि बॉयल आपने हाफ अंदर रखी है और ठीक है या आपने क्या नाम है उसको इस तरह रख दिया कि वो टेढ़ी पड़ी हुई थी. ठीक है, तो एक तरफ से डिटेक्टर डिटेक्ट ही नहीं किया तो इस तरह भी आपको प्रॉपर काउंट नहीं मिलता बेल काउंटर के अंदर. ठीक है, उसको लेकर ये जो ऊपर हमने तीनों चीजें पढ़ी उसको समराइज करते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होती है एमिटेड डिवाइडेड बाय डिटेक्टेड, इंट्रिंसिक डिटेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट. ठीक है, और ज्योमेट्रिक इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एमिटेड. ठीक हो गया, for the class of radiation that was ability to detect the light of radiation can be detected is called is an essential requirement and the scintillation detector operated as spectrometer is it is irradiated with a monochrome beam of gamma photons. The output of the spectrometer is the signature for the pulse as we have analyzed it. The amplitude
मैग्नीट्यूड ऑफ दीस पल्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पल्स इन द कंडक्टर ठीक हो गए तो वो कितनी पीक पे जाएगी ठीक है वो उस पर डिपेंड करता है कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉल कर रही है व्हेन दीस पल्सेस आर सॉर्टेड बाय एम्पलीट्यूड दैट दैट इज अ पल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ठीक है वो डिस्ट्रीब्यूशन बात हम कर चुके हैं और कहते डेड टाइम क्या होता है वो कहता है small but finite interval between the time when a ray interacts with the detector and the time when the detector responds and the event is recorded theek hai wo time jab detector ke upar radiation aake fall ki detector ne usko detect kiya theek hai aur wo read hui aur usko record kar liya gaya theek hai ke for example aap liver ka scan kar rahe ho aapke right upper quadrant se radiation nikli detector pe gayi detector record kiya usko pixel mein locate kiya ki yaar is part se ye radiation aayi hai ठीक है उस सारे टाइम को क्या बोलता है ये होता है डिटेक्टर का डेड टाइम ठीक है डेड टाइम और रिजॉल्विंग टाइम इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ डिटेक्टर टू फंक्शन एक्यूरेटली एट हाई कॉम्प्लेक्स ठीक है कहता है डेड टाइम जो है ना वो किसी भी डिटेक्टर के एक्यूरेट फंक्शन करने का मेजर होता है क्यों अब इसकी रीजन बताता हूं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेड टाइम ऑफ अ डिटेक्टर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द फेज ऑफ डिटेक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ डिटेक्टर्स पैरालाइजेबल एंड नॉन पैरालाइजेबल ये देखो ये रेडिएशन आई डिपॉजिट ठीक है दूसरी तीसरी चौथी ठीक है अब जो नॉन पैरालाइजेबल डिटेक्टर होता है ना उसमें क्या होता है पहली रेडिएशन आई ठीक है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक डिटेक्टर का डेड टाइम है 100 माइक्रोसेकंड्स ठीक है अब उस 100 माइक्रोसेकंड का क्या मतलब है एक रेडिएशन आई है फॉल की डिटेक्टर ही रिकॉर्ड है उसमें लगने 100 माइक्रोसेकंड अगर उन्हीं 100 माइक्रोसेकंड्स के अंदर दूसरी रेडिएशन आती है ना उसको काउंट नहीं करेगा दीस आर कॉल्ड नॉन पैरालाइज्ड ये वो पैरालाइज नहीं करेगा अब दूसरी टाइप जो वो बता रहा है कौन सी पैरालाइज्ड 100 माइक्रोसेकंड पे एक रेडिएशन को डिटेक्ट हो गई अब उसके बाद जब वो दोबारा इंफेक्शन के लिए गया तो दूसरी रेडिएशन आ गई ठीक है अब इसके 100 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं अगर उसके अभी सिर्फ 30 माइक्रोसेकंड गुजरे हैं इस रेडिएशन आ गई उसमें उसको भी आएगा ठीक है अब क्या हुआ 70 पिछले के रखते थे 100 स्क्वायर अब इसके भी 30 गुजरे थे ठीक है 70 140 ठीक है अगले इसने जोड़ डाल 100 स्क्वायर हो गए 240 माइक्रोसेकंड्स ठीक है ऑनलाइन वालों समझ आ रही है सर ये पैरालाइजेबल का दोबारा बता दें देखो आपका जो नॉन पैरालाइजेबल है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस डिटेक्टर का ना जो डेड टाइम है वो 100 माइक्रोसेकंड है एक रेडिएशन आई 100 माइक्रोसेकंड में डिटेक्ट हुई ठीक है उसके बाद रिकॉर्ड हुई तो डिटेक्टर तैयार हो गया नेक्स्ट रेडिएशन के लिए उसने नेक्स्ट कोड ऐड किया ठीक है फिर वो तैयार हो गया थर्ड के लिए ठीक है अब ये देखो ये 2 के अंदर ही उसने ब्लॉक बनाया हुआ है उसके अंदर 2-3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड रेडिएशन आई है जब तक वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया उसका टाइम खत्म नहीं हुआ उसने थर्ड डिटेक्ट नहीं रिजेक्ट कर दिया ठीक है फिर थर्ड जाया हो गई उसका टाइम पूरा हुआ देन उसने फोर्थ वाली को काउंट कर दिया ठीक है थर्ड को रिजेक्ट कर दिया ये क्या हो गया नॉन पैरालाइजेबल पैरालाइजेबल में क्या होता है 100 सेकंड में डिटेक्ट हुई ठीक है दूसरी आई इसके 100 माइक्रोसेकंड स्टार्ट हुए ठीक है इसके भी 30 सेकंड गुजरे थे तो उसने थर्ड वाली आई इसने उसको भी काउंट कर दिया अब 70 माइक्रोसेकंड पिछली के रहते हैं कि उसने रिकॉर्ड होने का टाइम लगना 100 अगली के ऐड हो गए 170 हो गया अब इसके 30 गुजरे थे ठीक है तो यहां से एक और आ गई फोर्थ वाली उसके बीच में ऐड कर 100 इसके ऐड हो गए ठीक है 140 100 240 मिली सेकंड इस तरह जो पैरालाइजेबल डिटेक्टर होता है ना वो आहिस्ता 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 ऐड अप करता जाता है ठीक है फिर उसे क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है कि डिटेक्टर 1 मिनट के लिए डिटेक्टर ना बंद करता है फिर 2 मिनट नहीं फिर ऐसा टाइम आता है कि 5 मिनट के लिए डिटेक्टर डायरेक्ट ही नहीं कर रहा होता क्योंकि उससे पिछला ही भी प्रोसेसिंग होता है तो अगला वो कैसे डिटेक्ट करेगा इसलिए जो नॉन पैरालाइजेबल डिटेक्टर्स होते हैं ना ठीक है हम उनको प्रेफर करते हैं ठीक है क्योंकि हमें हमारी रेडिएशन अगर 50,000 रेडिएशन है तो उसमें से हमें 4500 तो एक्यूरेट मिलेंगी ना ठीक है जो ये पैरालाइजेबल है इसमें तो 5-10 मिनट के बाद वैसे ही डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना बंद कर देना क्योंकि पिछला डिवाइस प्रोसेस नहीं हो रहा ठीक है तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि नॉन पैरालाइजेबल डिटेक्टर्स यूज करें समझ आ गई है मलाइका यस सर आ गई ठीक है भाई किसी का कोई प्रश्न है
सर इंसिडेंट रे वो होगी जो डिटेक्टर पे फॉल कर रही है और सर वो जो आपने शुरू में रियल टाइम रेडिएशन के बारे में बताया था उसको एक दफा फिर रिपीट कर दें। बच्ची रियल टाइम जैसे आप एंजियोग्राफी होती है उस टाइम के ऊपर वहां पे क्या होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर उस टाइम में क्या हो रहा है लाइक मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं तो क्या मैं आपकी गट की मूवमेंट है वो गट की मूवमेंट में देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं रियल टाइम में कि उस टाइम पे गट किस तरह मूव कर रही है। ठीक है अगर आप कैथेटर लेके जा रहे हो तो आप फ्लोरोस्कोपी के अंदर देख रहे हो कि यार कैथेटर आपकी एओर्टा से होकर वो आरसी एलसी में जा रहे हैं नहीं जा रहा तो उस टाइम पे जो आप उसकी इमेजिंग कर रहे हो वो रियल टाइम इमेजिंग होती है यानी कि जो प्रोसीजर जिस टाइम पे हो रहा है उसी टाइम पे उसको नोट करना कि किस तरह हो रहा है इसको बोलते हैं रियल टाइम। ठीक है यस सर रियल टाइम का तो पता है लेकिन रेडिएशन का उसमें मतलब कि कितनी रेडिएशन देखो एक जगह पे आया कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिटेक्टर होते हैं ना वो मोस्टली जैसे जीएम पावर वगैरह वो रियल टाइम आपको बताते हैं यानी कि आप एक जगह पे गए आपको लगता है कि वहां पर रेडिएशन का सोर्स मौजूद है आप जीएम पावर लेके आपने उसको वहां पे सोर्स की तरफ उसका ट्रांसमिशन का फेस किया। ठीक है उसने आपको रेडिएशन काउंट करके बताना शुरू करते हैं कि आपकी रेडिएशन कितनी कितनी इंटेंसिटी की मौजूद है। ठीक है और जो दूसरे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया फिल्म वगैरह पर्सनल डोजिंग के वो पर्सन के साथ लगाते हैं ये कुछ उनके साथ कॉपी में रख दिया जाता है या उसकी पैंट के साथ रुक कर दिया जाता है। ठीक है तो आफ्टर वन वन सिक्स मंथ या वन ईयर ठीक है उसको क्या नाम है लैब्स में जाता है जो न्यूक्लियर मेडिसिन की लैब होती है वहां पे उसको प्रोसेस करके देखता जाता है कि इस पर्सन को एक महीने में या छह महीने में साल भर जब भी आप उसको यानी कि रीड आउट करवाते हो कितनी डोज मिलती है। ठीक है तो वो रियल टाइम ही होती है फॉरन आपको रेडिएशन नहीं पता बल्कि आफ्टर सम टाइम वो आपकी रेडिएशन को बताते हैं कितनी रेडिएशन मिल चुकी है। अब समझ आ गई है कि रियल टाइम और दूसरे के साथ होता है। यस सर आ गई है और किसी का कोई क्वेश्चन सर पल्स हाई स्पेक्ट्रम दोबारा बता दें। बेटे पल्स हाई स्पेक्ट्रम यही है कि आपके जो डिटेक्टर में रेडिएशन डिटेक्ट किया आपने जो उसको रेंज बताई है कि आप 140 से लेके 180 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रेडिएशन आपने डिटेक्ट करके बताती है तो वो आपको पल्सेस की हाइट शो करवाएगा कि मेरे पास 140 की 50 पल्सेस आई थी 150 की 95 पल्सेस आई थी 155 की 30 पल्सेस आई थी। ठीक है इस तरह करके वो आपको पल्सेस बना के दिखाएगा एक ग्राफ के ऊपर कि इस एनर्जी की मेरे पास कितनी कितनी पल्सेस डिटेक्ट हुई है उसको हम बोलेंगे पल्स हाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है ओके सर और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन ठीक है बच्चों क्लास एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़ सर।